हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ पतंजलि के शतावर चूर्ण का। इसका कंप्लीट रिव्यू मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। शतावर का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, इसलिए बहुत कम लोग ही शतावर का उपयोग करना जानते होंगे। क्या आपको पता है कि शतावर क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं? तो इस वीडियो में मैं सभी बातें आपको बताने वाली हूँ। क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और कौन कौन इसको ले सकता है और इसके लेने के बाद क्या आपको अपने बॉडी में जो चेंजेस दिखेंगे, तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले बात कर लेते हैं। ये इस तरीके के पैक में आती है, ऊपर लिखा है शतावर चूर्ण और पतंजलि का प्रोडक्ट है। और इसका जो प्राइस है 160 रुपीज की है ये, और इसकी क्वांटिटी 100 ग्राम क्वांटिटी है और 160 रुपीज की है। ये मुझे 150 रुपीज की पड़ी थी। मैं इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके परचेज कर सकते हैं। और गाइस, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। बेसिकली वो होता क्या है? सबसे पहले जो एक तरीके से जो बेल होती है, उनकी जड़ें होती हैं, उसका जो छिलका होता है येलो कलर का, उसको निकालकर उसका जो व्हाइट कलर के अंदर से जो जड़ निकलती है उसका एक पाउडर बनाया जाता है, जिसके अपने बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। इसके अनगिनत बेनिफिट्स होते हैं। गाइस, मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसको यूज करने के बाद मुझे कैसा फील हुआ। मैंने इसको कंटिन्यू 1 मंथ तक यूज किया है। 1 मंथ बाद मैं इसका रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि मैंने अपनी बॉडी में क्या चेंजेस देखे हैं। कि सबसे पहले तो जिन लोगों को भी कमजोरी है, वीकनेस है उनकी बॉडी में, उनको कमजोरी फील होती है बहुत ज्यादा, और या फिर बहुत ही ज्यादा दुबले पतले हैं और बहुत खाने का भी जिन पे असर नहीं होता है, या फिर उनके भूख कम लगती है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखे हैं, वेट नहीं बढ़ता, नींद कम आती है, और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, तो ये जो शतावर चूर्ण है, ये चूर्ण इन सभी बीमारियों के लिए रामबाण औषधि है। क्योंकि मैंने यूज किया है और मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं। जिनको भी ये सभी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी लेडीज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेस्ट साइज की रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनका ब्रेस्ट साइज बहुत कम है और मतलब उनकी एज के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उन सबके लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने यूज की है और देखिए, मैंने काफी रिसर्च के बाद इस प्रोडक्ट को परचेज किया था। मैंने भी आप लोगों की तरह बहुत रिसर्च करी थी कि ये जो प्रोडक्ट है ये इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, बट काफी रिसर्च के बाद मुझे इस प्रोडक्ट के जो गुड रिजल्ट्स हैं वो मिले और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बताऊं। जो लोग मेरी तरह ही कुछ ऐसा प्रोडक्ट देख रहे हैं कि उनकी बॉडी थोड़ी वीक अच्छी एक जड़ी बूटी है जिसका उपयोग आपको करना चाहिए, और ऑलमोस्ट जो सभी लेडीज होती हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि लेडीज में ज्यादातर क्या होता है, हार्मोनल इम्बेलेंस देखा जाता है, हार्मोन्स मतलब सही तरीके से नहीं होते हैं, तो लेडीज के लिए तो बहुत अच्छा है और इसको जेंट्स भी ले सकते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाएं, जिससे कि हमें कमजोरी होने लग जाती है और बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में मिनरल्स विटामिंस की कमी हो जाती है, तो हमें जरूरत होती है कि ऐसे आयुर्वेद चीज की, आयुर्वेदिक औषधि की, जो हमारी बॉडी में उन सब चीजों की पूर्ति कर सके जो हमारी बॉडी को जरूरत है और उनका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। ज्यादातर अगर आप कोई टेम्पररी सॉल्यूशन देखते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स आपको होने लग जाते हैं क्योंकि उनमें काफी केमिकल्स यूज किए गए होते हैं, तो ये एक नेचुरल तरीका है। नेचुरल तरीके से आप अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं, आपको वेट बढ़ा सकते हैं, और जिनको वेट कम करना है उनका नेचुरल तरीके से वेट कम होगा इसको यूज करने के बाद। मतलब ये आपके बॉडी के वेट को मेंटेन करती है, ना बढ़ाती है और ना ज्यादा घटाती है। अगर आपका कम है वेट तो आपका वेट सही कर देगी, और अगर आपका ज्यादा वेट है तो आपके वेट को कम भी करती है। शतावर शरीर के लिए प्रोटेक्शन शील्ड का काम करती है। शतावरी आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की रानी होती है। ये हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी कमजोर होती है उसको बढ़ाती है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है ताकि बीमारियों से लड़ने की क्षमता आती है बॉडी में। और जो भी स्त्रियां और जो भी पुरुष कमजोर हैं, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उनका वेट उनके अकॉर्डिंग, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो उनके लिए ये जो चीज है ये बहुत ही अच्छी है। रामदेव जी बोलते हैं कि अगर आप इसका सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच सेवन करते हैं दूध के साथ, या उसके बाद केले भी खाते हैं,
तो आपको आपका नेचुरल तरीके से आपको अपना वेट गेन कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से। ज्यादातर क्या होते हैं, वेट गेन करने के लिए सप्लीमेंट लेते हैं जिनको लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद उनके साइड इफेक्ट सामने आते हैं, तो इस चीज का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपके वेट को बढ़ाता है और गुड जो फैट होता है वो आपकी बॉडी को देता है, जिससे कि आपको आगे जाके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसमें यहाँ पे मेंशन है कि रूट्स का पाउडर है और ये जो आपकी कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, उसको दूर करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है इसकी, क्योंकि मैंने वीकनेस के कारण इसको यूज किया था और मैंने अपनी बॉडी में बहुत से चेंजेस देखे, जैसे कि भूख लगने लग गई है, नींद अच्छी आती है। इसको यूज कैसे करना है, तो इसको यूज करना है सबसे पहले 2 से 4 ग्राम शतावर चूर्ण का सुबह शाम सेवन करना है, और 2 से 4 ग्राम शतावर चूर्ण चम्मच में लेकर और उसको दूध में मिक्स करना है, उसके बाद पी लेना है। एक ग्लास गर्म दूध में सुबह शाम आप ले सकते हैं। अगर आप दूध में नहीं लेना चाहते, क्योंकि मैं इसको दूध में नहीं ले पाती थी क्योंकि मेरा दूध का टेस्ट खराब हो जाता था, मैं थोड़ा सा पानी से पहले इसको लेकर उस ऊपर से दूध पी लेती थी, तो ये भी इसका एक तरीका है इसको सेवन करने का। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं और इसको यूज करने के बाद आपको आपकी बॉडी में वीकनेस फील नहीं होगी और जो आपका नेचुरल तरीके से वेट गेन होगा, जिसके आगे जाकर आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे, आपको भूख अच्छे से मिलेगी, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, जिससे कि आपको कोई बीमारियां जल्दी से नहीं होंगी। और शतावरी चूर्ण के अपने बहुत सालों से इसका यूज किया जा रहा है आयुर्वेद में, और आयुर्वेद में ये बहुत ज्यादा बहुत काम आने वाली जड़ी बूटी है। शतावरी चूर्ण लेने से स्ट्रेस की कमी होती है, जिससे कि हमारा माइंड रिलैक्स्ड होता है और हमें किसी चीज की टेंशन नहीं होती, और हमारा जो वेट है वो नेचुरल तरीके से गेन होता है और हमारी जो बॉडी को हम खाते पीते हैं वो अच्छे से लगता है। तो एक शतावरी चूर्ण मैं कहना चाहूंगी कि ये एक रामबाण उपाय है अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं और या आपकी कोई शारीरिक कमजोरी है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं, तो आपको एक बार जरूर ये ट्राई करना चाहिए। क्योंकि मैंने जब से इसको ट्राई किया है मेरी बॉडी में वीकनेस नहीं होती है, और पहले क्या होता था, थोड़ा टाइम अगर टहल लेते थे कहीं पे तो फील होने लग जाती थी कि थक गए हैं, बट इसको यूज करने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है जो आपको हेल्प करती है आपके डे टू डे लाइफ में। तो शतावरी चूर्ण के अपने बेनिफिट हैं, तो चलिए मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ कि अंदर से किस तरीके का चूर्ण दिखता है। ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके का चूर्ण है। इसका जो टेस्ट है, अगर मैं इसकी टेस्ट की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ही गंदा टेस्ट है इसका, मतलब कड़वा कड़वा टेस्ट है। और जल्दी से पानी पी लेती हूँ और उसके ऊपर दूध पी लेती हूँ, तो थोड़ा इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर लेना पड़ता है। जो अपनी बॉडी में इतने अच्छे रिजल्ट दे उस चीज को, तो मैं लेना पसंद करती हूँ, चाहे वो कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। और अगर बात करूँ तो किनको ये यूज नहीं करना चाहिए, जिनको भी डायबिटीज वगैरह है या कोई पुरानी बीमारी है या फिर किसी और बीमारी की आप कोई दवाई ले रहे हो, तो उसके साथ इसका यूज ना करें। और बात करूँ अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो भी इसका यूज कर सकती हैं, और जो ब्रेस्ट फीडिंग माएं होती हैं अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो उनको भी इसका यूज करना चाहिए, उनका दूध बढ़ता है। आज की वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू।